इसरो के पूर्व प्रमुख एस किरण कुमार ने चंद्रयान 2 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई यान भेजने वाला पहला देश है। भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई को भारत से प्रक्षेपित किया गया था और 14 अगस्त को यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। इसके बाद 20 अगस्त को चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण देश के भारी वजन उठाने वाले रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV-M के 3 से किया गया था। अब तक चांद पर गए ज्यादातर मिशन इसकी भूमध्य रेखा के आसपास ही उतरे हैं। यदि भारत का ये मिशन कामयाब रहता है तो अमरीका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यान की 100 फीट लैंडिंग करवाने वाला चौथा देश बन जाता। भारत के दूसरे चंद्रमा मिशन की लागत हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स एंड गेम्स के आधे से भी कम है। चंद्रयान 2 मिशन की कुल लागत 124 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें लॉन्च के लिए 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उपग्रह के लिए 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। अगर भारत के प्रज्ञान रोवर के सेंसर चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके गड्ढों से पानी के सबूत तलाश पाते तो यह विश्व के लिए एक बड़ी खोज होती। चंद्रयान 2 मिशन की कामयाबी अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए भी मददगार साबित होती। नासा 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन की योजना बना रहा है। इसरो के पूर्व प्रमुख एस किरण कुमार ने कहा है कि लैंडर विक्रम और इसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान से संपर्क टूट जाने के बावजूद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बेहतर परिणाम हासिल करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस बार का ऑर्बिटर महत्वपूर्ण उपकरणों से लैस है, जो एक दशक पहले भेजे गए चंद्रयान 1 की तुलना में अधिक शानदार परिणाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नासा JPL से चंद्रयान 1 द्वारा ले जाए गए 2 उपकरणों की तुलना में इस बार के उपकरण 3 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक की स्पेक्ट्रम रेंज तथा रडारों दोनों के मामलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।